أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ladies and gentlemen assalamu alaikum this is me Sara Baloch and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL season 9 we call it Cadbury Dairy Milk Hangama jinab the show has been presented to you by Lifebuoy herbal shampoo brought to you by new by Kaizen paints powered by HBL and refreshed by Coke having said that it was the 26th number of PSL season 9 match between Karachi Kings and Lahore Qalandars And what a spectacular winning for Karachi Kings. Karachi Kings ने अपने home ground में आज पहला match जीता. इतना thrilling match था, nail biting match था कि मजा आ गया. जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं, यहाँ पे ये बात mind में रखना बहुत important है कि आज किस तरीके से अब्दुल्ला शफीक की inclusion हुई बहुत सारे matches के बाद और आज वो आए, उन्होंने एक impact create किया. फखर जवान की अगर हम बात करें और अब्दुल्ला शफीक की तो एक मेजर पार्टनरशिप देखने को मिली 70 रन की ऑन 47 बॉल. सो ये आई थिंक ये एक चीज़ अच्छी हो गई लाहौर कलंदर्स की. लेकिन जहाँ ये बात हो रही है वहाँ व्हाट हैज़ हैपन टू लाहौर कलंदर्स. इतना मुश्किल हो गया उनके लिए कोई भी गेम जीतना. ठीक है मैच थ्रिलिंग था लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिफेंडिंग चैंपियंस जो हैं वो कुछ ना कर पाए इस पूरे टूर्नामेंट में. जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे वी हैव टू हैव अ डीप डिस्कशन ऑन द मैच टुडे. हम करते हैं इसका पोस्टमार्टम. शोएब मलिक जनाब जिनके ऊपर डिस्कशन हमारी चलती रही कि व्हाट इज ही डूइंग. आज मैच फिनिश किया तो शोएब मलिक ने किया, इरफान खान नियाज़ी ने उनका साथ दिया. सो वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन. कीप वॉचिंग. हम वेलकम करते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट. एक तरफ हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम. लेट्स वेलकम मिस्टर सलीम मलिक साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सारा, कैसी हो आप? आई एम वेल, हाउ आर यू सर? गुड. आज बड़ा एक्साइटिंग है ना, मजा आया ना? इतना मजा आया. देखिए ये होता है मैच के, हमारे जो फॉर्मर कैप्टन है वो भी कह रहे हैं 26 मैच में जाके कि हाँ यार आज मजा आया. जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं हमारे फॉर्मर पाकिस्तानी पेसर, जी हाँ टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम. व्हाट अ मैच जेंटलमैन, क्या मैच था. अच्छा मुझे पता है, ऑनेस्टली मुझे लगा, मैंने कहा एक बॉलर तीन गेंदें ये ना हो पाएगा, ये हो नहीं पाएगा. और जिस तरीके से रऊफ साहब ने कहा पहले जो है जमान हंसता है फिर वो लेट जाता है, तो ये क्या हो रहा है? मुझे तो वो श्रीलंका का मैच याद आ गया था, एशिया कप वाला, तब भी कुछ ऐसी हुआ था ना हमारे साथ. हाँ देखिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको नर्व पे काबू पाना होगा क्योंकि पूरे मैच में हंसता रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वगैरह आता है मुख्तलिफ सिचुएशन में. 8-8, 10-10 रन की एवरेज आती है मगर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. मगर जैसे ही रन इसको कंसीड होते हैं और उसके बाद मैच आ जाता है तो उसके बाद एक दफ़ा लेट जाता है. मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको और कंट्रोल करना पड़ेगा अपने नर्व से. अच्छा जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे सर, जैसे कि मैं कह रही हूँ ऑन रिकॉर्ड है ये, हमारे आप हमारे यूट्यूब पर जाके शो देखें, अब्दुल्ला शफीक की इंक्लूजन पहले दिन से सर कह रहे हैं कि उसको ड्रॉप क्यों किया, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसका इस टीम की प्लेइंग 11 में होना बनता है. और आज अब्दुल्ला शफीक ने ठीक है 24 रन ऑन बोर्ड किए 21 बॉल्स पे, लेकिन कमाल पार्टनरशिप थी सर. हाउ हैव यू एंजॉयड हिज कमबैक इन द शो टुडे? नहीं देखें उसको हमेशा ही देखते हुए अच्छा लगता है क्योंकि वो टेक्निकली वो बड़ा अच्छा प्लेयर है और उसको अफसोस होता है जब वो नहीं खेलता, उसको नहीं खिलाते. आज देखें आप पिछले सेगमेंट में हम बात की थी कि फ़खर एक ऐसा प्लेयर है जो इम्पैक्ट डाल सकता है और आज देखें अगर वो रन आउट ना होता तो सिचुएशन शायद डिफरेंट होती क्योंकि उसने मैच एक टाइम पे हमें लग रहा था कि 200+ कर जाएंगे मगर अनफॉर्चुनेटली वो उसके रन आउट होने से एकदम टीम और फिर अब्दुल्ला के आउट होने से बड़ा फ़र्क पड़ा. मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये लाहौर कलंदर की टीम जो है पता नहीं मोहल्ले की टीम है कि अब देखें शहीन को 3-4 बैट्समैन जो बड़ी हिट मार सकते हैं जैसे सिकंदर है, जहांदाद है, वो खुद वीजे था, मतलब ये उनके उन प्लेयर के जो बहुत बड़ी हिटें हार्ड हिटर हैं उनके होते हुए शहीन ऊपर आता है. मेरा ख्याल एक आध मैच में तो चलो ये आप कर सकते हो मगर आपके जो जो मेन प्लेयर होते हैं ना जो हार्ड हिटर हैं इस नंबर पे खेलते हैं वो फिर डिसहार्ट होते हैं. आज हम विजय की हम बैठ के देख रहे थे उसको, वो बैठा सर पकड़ के बैठा हुआ था कि मुझे पता नहीं इन्होंने किस लिए रखा हुआ है. आखिरी ओवर में जाके उसको उसकी बारी आई और उस उन दोनों को देखें, उन्होंने दोनों ने इम्पैक्ट डाला आके जो उसमें भी 15-16-17 ओवर जो था ना लाहौर का वो इतना अच्छा नहीं गया तो वो 3 ओवर जो होते हैं ना फिर वो बड़ा क्रूशल टाइम होता है जिसमें आपके मेन प्लेयर्स जाने चाहिए जो हार्ड हिटर हैं. खैर एनीवे ये तो गेम का हिस्सा था मगर मेरा ख्याल है
कि आज लाहौर को ये कहना चाहिए था कि हम 15 रन शॉर्ट थे, आज हम 15 रन शॉर्ट थे, मगर 15 रन शॉर्ट फिर कराची के होने लगे थे। अगर थोड़ा सा आई थिंक बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर होती जमान, देखिए हम हमेशा जमान की बात करते हैं कि रऊफ भी हम बैठे बात कर रहे थे, रऊफ कह रहा था कि ये इस बड़ा इसको नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल है। मैंने कहा रऊफ आखिरी ओवर्स में पता चलेगा, और उसके बड़े अच्छे यॉर्कर्स होते हैं, मगर इस मैच में हमें उसके कोई यॉर्कर थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोई हमें नज़र नहीं आए उसके, और आखिरी ओवर में भी देखें उसने जो बॉल किया है वो तो मतलब कोई भी बैट्समैन होता मलिक की जगह तो उसने तो हिट मारनी मारनी थी, तो उसने उस जगह बॉल फेंका और फुल टॉस। ये भी नहीं कि कोई अच्छी बॉल थी जो उसने की। मेरा ख्याल है कि कराची डिजर्व करता था अगर उसको ऐसा बॉल मिला जीतने के लिए, तो अगर आज अगर मैच हार जाते कराची तो मैं सबसे ज़्यादा मार उन्होंने मलिक को मारनी थी जो जिसने उसने क्लोज ले जा के जो स्ट्राइक नहीं ले रहा था और नए बैट्समैन खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल उसके लिए बड़ा मुश्किल होना था। अच्छा, जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग यूनिट ऑफ कराची किंग्स। शोएब मलिक ने बेशक मैच आज फिनिश ऑफ किया है, लेकिन अगेन ही वाज गिवन 3 ओवर्स आज। अच्छा, लास्ट टाइम याद रहे कि शोएब मलिक ने बॉलिंग नहीं की थी, करवाई नहीं थी, मुझे नहीं पता कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन यू कैन टॉक बेटर ऑन दिस, बट टुडे ही बोल्ड फॉर 3 ओवर्स विद इकोनॉमी ऑफ 9.33। सो थोड़ा इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए बेसिकली मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा लैप्सेस हैं, ना सिर्फ कराची की जानब से बल्कि लाहौर की जानब से भी, क्योंकि पहले मैं इसकी बात करूँगा शाहीन अफरीदी की, क्योंकि पाकिस्तान के कैप्टन है और पाकिस्तान का कैप्टन मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि 9 मैचेस में से 8 मैचेस आप ये हार गए PSL के, और ये आपकी लीग है, ये कोई ये याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मैचेस नहीं है, ये आपकी डोमेस्टिक लीग है एक, उसके आप 9 में से 8 मैचेस एज ए कैप्टन हारे हैं, उससे पहले आप 4 मैचेस न्यूजीलैंड में हारे हैं पाकिस्तान का कैप्टन बनकर, तो फिर क्वेश्चन तो आएंगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो इनकी मैनेजमेंट है लाहौर कलंदर की, जिसमें समीर राणा ने स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ के, जब उन्होंने इसकी कैप्टनसी पे बात की और उसके बाद आकिब की का भी स्टेटमेंट आया कि इसको नहीं हटाना चाहिए, तो किस बेस पे अब इसको रखना चाहिए। मेरा क्वेश्चन उनसे है कि अब देखें कि एक कैप्टन है वो डोमेस्टिक के 9 में से 8 मैचेस हार गया, पाकिस्तान से उसको कैप्टनसी दी गई है वहाँ पर 4 मैचेस वो हार गया, तो उसको किस बेस पर आप कैप्टनसी के लिए रिटेन कर सकते हैं। आपको देखें कि आपको किसी जगह पे स्टैंड करना होता, फ्रंट से सामने लीड करना होता, अपनी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन एज ए लीडर आपको शो करनी होती है, तब जाकर आप डिजर्व करते हैं पाकिस्तान के कैप्टन। क्योंकि पास्ट में आपने देखे कि जितने भी पाकिस्तान के कैप्टन रहे उनके लिए डोमेस्टिक में मैचेस जीतना इस तरह के कोई माने नहीं रखता था, वो तो आसानी से खड़े होकर मैच जितवा देते थे अपनी कैप्टनसी से, मगर टू मच लैप्सेस। और दूसरा जिसकी आपने बात की है कराची की, उसके कैप्टनसी वो भी पाकिस्तान का कैप्टन है, अभी 3 मैचेस वाइट वॉश होके आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उसकी कैप्टनसी में भी बहुत ज़्यादा लैप्सेज। आप देखें कि आज पिच जो स्पिन बॉलर्स को बहुत सपोर्ट कर रही थी, सबसे अच्छी बॉलिंग अगर कराची से किसी ने की है तो जायद महमूद ने की है, 4 ओवर 26 रन 2 विकेटें। आपने इरफात मिनास एज ए स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर खिलाया है, जिसने अंडर-19 वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आपने 4 ओवर में 40 रन मजरबानी ने दिए, उसका कोटा मुकम्मल करवा दिया। 3 ओवर में 28 रन मलिक ने दिए, उसका भी मुकम्मल हो गया। उसका अनवर अली ने 4 ओवर में 36 रन दिए 9 की एवरेज से, उसका भी कंप्लीट हो गया, मगर इरफात मिनास को आपने बॉलिंग नहीं दी। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने वाली हैं। उसके बाद बैटिंग में भी अगर आप देखें, हम यहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे। बिल्कुल सही बात की है, आज जाहिद वेंट इकोनॉमिकल विद इकोनॉमी ऑफ 6.75। वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन। की वाचिंग PSL हंगामा। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ PSL सीजन 9, वी कॉल इट कैडबरी डेयरी मिल्क PSL हंगामा। Jinaab, this show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by new by Kaizen Paints, part by HBL and refreshed by Coke. So, the news is a very good news. Jinaab, Karachi Kings has won the match and the player of the match happened to be Irfan Khan. Kya baat hai Jinaab, kya cameo hai? Aur agar hum Irfan Khan ki baat kare, Jinaab 35 ki shandar inning thi 16 balls pe. Maza aa gaya unko dekh ke. Jahan ye sari baatein ho rahi hain, wahan pe discussion karna bahut important hai. कि किस तरीके से आज अब्दुल्ला शफीक, बिकॉज आई थिंक अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से आज आके यू नो एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि अगर आप मुझे रख लेते पहले तो शायद हालात बदल जाते। सर लगता है आपको ऐसा कुछ तो बदल नहीं? देखें, ऐसा जो प्लेयर होता है ना, जब आप इन आउट होते हैं ना तो आप पे बहुत प्रेशर होता है। मैं इसलिए उसकी ये इनिंग को एडमायर कर रहा हूँ कि जब आप टीम से बाहर होते हैं ना तो कम करना ना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि
कैप्टन आप पे इत्माद कर नहीं रहा होता, आप खुद अंडर प्रेशर होते हैं। तो मेरा ख्याल हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक आपका मेन ओपनर था, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको आप आहिस्ता 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 बाहर निकाल लें। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि उसने स्कोर किया है और उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा। अच्छा, आज के मैच में ना, जो अभी आपने नियाज़ी की बात की, मेरा ख्याल है हम दोनों ही बैठ के अक्सर प्लेयर्स की बातें करते हैं ना, तो नियाज़ी को हम बड़ा एडमायर करते हैं कि ये जिस नंबर पे ये आता है ना, उस नंबर पे आके ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और हमेशा इसकी आप पिछली इनिंगें भी देखें, ये नीचे से आके बड़ा अच्छा खेलता है। मगर आज एक चीज़ जो शाहीन की बात कर रहे थे, शाहीन ने देखें बहुत, आप हमारा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बॉलर है, सारे उसको एडमायर करते हैं, कैप्टन भी है, ऐसे मौके पे उसने दो देखे 15 हम जो बात कर रहे थे, 15 ओवर में जाके 15-16-17 ओवर जो थे उसमें गेम चेंज हुई है। और उसमें क्या हुआ कि शाहीन ने दो चौके खाए हैं उससे रिवर्स स्वीप पे, जो कि आप देखो, आप एक्सपीरियंस बॉलर हो, कैप्टन हो, आपको वो रिवर्स स्वीप मारा, आपने फील्डर भी पीछे नहीं रखा, एक खाया फिर उसके बाद दूसरा खाया, तो उसने गेम वहाँ से चेंज हुई एकदम, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, 12 की एवरेज थी, एकदम 10 की एवरेज आई। उसके बाद फिर अगले ओवरों में जमान ने दो चौके मलिक से खाए एक्स्ट्रा कवर में, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि जमान एक पाकिस्तान का मेन बॉलर है, उसने उसके थ्रू आउट द टूर्नामेंट ना हमें कोई यॉर्कर नज़र आया, ना उसने लाइन पे बॉल किए, उसको ये नहीं पता कि कौन सा प्लेयर कहाँ हिट मारता। देखें मलिक सिर्फ सीधी हिट मारता है, एक्स्ट्रा कवर में हिट मारता है मिड ऑफ के ऊपर से, आप उसको उसी जगह बॉल कर रहे हैं जो उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये शो करती हैं कि फिर आपको क्रिकेट की या तो सेंस नहीं है या आप सीखना नहीं चाहते, तो इसलिए हम क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं। तो मेरा ख्याल नियाज़ी डिज़र्व करता था जिस मौके पे आके उसने एक मेरा इम्पैक्ट डाला है और टीम को ले कर निकल गया है। मैच हारा हुआ मैच उसने मुश्किल विकेट पे स्कोर किया, तो मेरा ख्याल है वो डिजर्व करता था। जहाँ पे इरफान की बात हो रही है, वहाँ हम देख रहे थे सस्पेंस क्रिएट हो चुका था, पता नहीं था कि बॉल यहाँ जाएगी नहीं, कि द बॉल इज गोइंग टू बी विच कोर्ट, राइट और लेफ्ट, एक तरफ कराची और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी लास्ट जो बॉल थी जमान खान की, उससे पहले आपस में कोई डिस्कशन कर रहे थे और मुझे लगा कि नहीं, मतलब लिटरली व्हाइल आई वाज वाचिंग आई थॉट कि यार ये तो कराची किंग्स से ना हो पाएगा। सो ये गुफ्तगु के बावजूद भी ये हालात थे, गुफ्तगु में बात हुई क्या होगी, कैप्टन ने क्या कहा होगा जमान को? देखिए, जो मेरी हम मैच देख रहे, जो मेरी सलीम भाई से बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि पॉइंट भी ऊपर है और थर्ड मैन भी ऊपर है और एक ही ये स्लॉट खाली है जहाँ पे कुछ हो सकता है। तो उसने एग्जैक्टली वहाँ पे ही बॉल की जहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी बॉल। और मेरा ख्याल है, पता नहीं इस डिस्कशन का मुझे नहीं पता कि क्या मतलब निकला, क्योंकि अगर आप उसको बॉडी में स्लो बॉल करते या किसी भी जगह पे करते तो वो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता उसके लिए रन्स करना। और मैं भी, मेरा ख्याल है कि मलिक का भी यही ख्याल था कि वो दो रन्स ज़्यादा प्रेफरेंस करता बजाय के बाउंड्री के, मगर पॉइंट भी और थर्ड मैन ऊपर करके आपने उसको बहुत ईजी एक्सेस दे दी, आपने वाइड फुल टॉस कर दी। और एक सेटल बैट्समैन के लिए सबसे ईजी एक्सेस ये होती है कि आप उसको पॉइंट और थर्ड मैन ऊपर बुला के आप उसको वाइड पे बॉल कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। उससे पहले भी जो इस तरह सलीम भाई ने बात की है, जब जमान बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि हम इस, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे मेजर बॉलर हैं, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारा जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक रिलाई कर रहा है शाहीन अफरीदी पे, जमान खान पे, वसीम जूनियर है और ये हमारे बॉलर हैं प्रीमियर, मगर हर मैच में इनको 4 ओवर में 50 रन 4 ओवर में 45 रन ये कंसीड हो रहे हैं। इनसे पूरे टूर्नामेंट में अभी तक प्रॉपर जगह पे यार्कर्स नहीं हुए, स्लो वंस इनसे नहीं हुई, रन इनसे नहीं रोके गए। नए बॉल से मेरा नहीं ख्याल कि शाहीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था एक साल पहले, मगर इस साल तो बिल्कुल वो नए बॉल से विकटें ले ही नहीं रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आगे चलकर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है अगर इन्होंने अपनी ये जो फॉल्ट्स हैं उनको कवर अप ना किया तो। और ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ये सीख सकते थे, अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर सकते थे और बैट्समैन को रीड कर सकते थे, मगर मेरा ख्याल है कि ये इसी तरीके से अब वर्ल्ड कप में जाएंगे और उसमें रिजल्ट मुश्किल होगा पाकिस्तान की फेवर में। मेरा ख्याल है रऊफ, एक चीज़ आज देखने में आई है कि तैयब अब्बास ने 3 ओवर करवाए हैं इसने उसको और उसने सबसे कम स्कोर दिए और 2 आउट किए और बड़े क्रूशल टाइम पे उसने 2 आउट किए। मेरा ख्याल है अगर अगर उसको बॉलिंग करवाई, उसको पूरे ओवर करवाने चाहिए थे। देखें, एक नया बॉलर जब आप खिलाते हैं ना तो उसका लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या करता है,
और वो इम्पैक्ट जितनी देर में आपको समझ आती है ना कि ये क्या है, उतनी देर में वो आपको काम करके दे जाता है। और आज भी उसने देखें, लोगों को उसका पता नहीं इतना लीक पीएसएल में पहला मैच, दूसरा मैच है, तो लोगों को उसका आइडिया नहीं था कि वो क्या करता है। हालांकि वो इतना मुश्किल बॉलर नहीं, चूंकि उसका एक्शन ऐसा है, मेरा ख्याल है उसको चार ओवर इनको करवाने चाहिए थे। ये मेरा ख्याल एक कप्तान का कॉन्फिडेंस नहीं होता ना किसी बॉलर पे, तो फिर वो उस पर इतना रिलाई नहीं करता। मगर मेरे ख्याल में आज उसने जो तीन ओवर किए उसमें दो आउट किए, तो उसको ओवर करवाना चाहिए थे, चार ओवर उसके पूरे करवाने चाहिए थे, वो हो सकता है वो इम्पैक्ट डालता। और क्योंकि उसको समझ नहीं है ना लोगों को, तो ये मेरा ख्याल थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कप्तान को समझ होनी चाहिए। नहीं, ये है टाइम, अभी टाइम नहीं है, बट विल कम बैक एंड विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन इट। हमारे पास कुछ मैसेजेस भी आ चुके हैं, थैंक यू जी, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं 24 न्यूज़ के इंस्टाग्राम पे, सारा बलोच ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप वॉचिंग पीएसएल हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints and powered by HBL and refreshed by Coke. I hope you know aaj ka match aap logon ne enjoy kiya hoga, because it has been a spectacular win for Karachi Kings. Acha laga ki kis tarike se Shaan Masood has understood the fact ki bhai mujhe opening mein nahi aana, main one down bhi aaun to it would work, and it actually worked. Having said that, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी सजेशन थी कि वो बेशक ना ही खेलते, बट ऑफकोर्स आज उन्होंने खेला, उनकी एक अच्छी हमें इनिंग देखने को मिली। अगेन वो कैपिटलाइज उस तरह से नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ सारी बातें हो रही हैं, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द पॉइंट्स टेबल ऑफ पीएसएल सीजन 9। जनाब, मुल्तान सुल्तान ने 8 मैचेस खेले, 6 जीते 2 हारे विद 12 पॉइंट्स, एंड वी हैव गॉटन पेशावर ज़ल्मी 9 मैचेस खेले, 5 जीते 3 हारे विद 11 पॉइंट्स, एंड वी हैव गॉटन इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन नंबर 3 विद जनाब, दे हैव प्लेड 9 मैचेस, 4 मैचेस जीते 4 मैचेस हारे विद 9 पॉइंट्स, देन वी हैव गॉटन क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 मैचेस खेले, 4 जीते 3 हारे विद 9 पॉइंट्स, एंड जनाब हम देखें कराची किंग्स को पोजीशन वही की वही है, 9 मैचेस खेले, 4 मैचेस जीते 5 हारे विद 8 पॉइंट्स, और बॉटम ऑफ द टेबल द डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स, हियर वी गो। जनाब जहां ये सारी बातें हो रही हैं, वहां पे याद रहे कराची किंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनका लास्ट मैच है वो जीतना, अगर वो जीत गए तो इंशाल्लाह थिंग्स वुड बी बेटर, और यू नो एवरी डे द पॉइंट्स टेबल इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है उसे बात करने पे। जहां ये सारी बातें हो रही हैं सर, एक बहुत रन आउट हुआ था जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हुआ था, एंड आई वॉज सिटिंग विद माई सन, और मैं कह रही हूँ कैसे रन आउट हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, यू नो, तो वो जो दोबारा दिखाया उन्होंने, मैं चाहूंगी आप और मैं वो दोबारा देखें, बिकॉज वो बड़ा थ्रिलिंग मोमेंट था किस तरीके से साइफर्ड आउट होते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जहां ये बात हो रही है वहां पे सर 36 रन इन्होंने ऑन बोर्ड किए 33 बॉल्स पे, और ये ऐसे रन आउट हुआ सर, आप देख रहे हैं, ये मतलब सर वाज इट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड और वाज इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ मुझे तो समझ में नहीं आया था पहले। ये अंपायरों के लिए और टीम के लिए मुश्किल हो रहा था, अदरवाइज तो बड़ा आसान था, वो खुद बाहर जा रहा था कि मैं आउट हूँ, मगर वो अंपायर कह रहे थे नहीं नहीं तुम ठहरो, तुम्हें शायद दूसरा मौका हम दें। देखिए असल में कन्फ्यूजन पता क्या हुई थी, कन्फ्यूजन ये हुई कि उसके हाथ को लग के बॉल विकेटों को लगी ना जब, तो वो समझे कि बॉल डेड हो गया है, जब डेड बॉल होती है तो फिर आउट नहीं होता, चूँकि वो अभी डेड बॉल हुआ ही नहीं था, वो एक्चुअली रन आउट दूसरी साइड पर हुआ, और इसमें जो देखें वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, वो बाहर जा रहा था, ये कह नहीं तू ठहर जा अभी तो आउट नहीं है, अंपायर उसको कह रहा है। और मेरा ख्याल इसमें सबसे बड़ी गलती जो थी वो मलिक की थी। अगर इस मौके पे अगर मैच हारते और वो सेट बैट्समैन खेल रहा था तो मेरा ख्याल सारा ब्लेम मलिक पे जाना था, मलिक ने उसको देखा ही नहीं, वो तो अपने आप को बचा रहा है, मलिक उसके पास खड़ा था, ये उसकी ग्रेटनेस है कि वो वॉक कर गया आगे को थोड़ा सा चला गया और रन आउट हुआ, अदरवाइज तो मलिक ने तो बहुत जिसको कहते हैं ना जो क्रिकेट में सबसे बुरा स्कोर होता है वो लिया था, मतलब वो एक बंदा दूसरी तरफ देख रहा है और आप भाग के उसके पास आके खड़े हो गए हैं, तो ये मेरा ख्याल सलमान उसको जितना एक्साइटेड आज सलमान था वो उसकी एक्साइटमेंट उसने ख़त्म कर दी थी उसकी रन आउट।
सर देखिए इसमें वो कन्फ्यूजन एक फ्रेम की कन्फ्यूजन थी क्योंकि हमें सिर्फ एक ही फ्रेम में दिखा रहे थे क्योंकि उस फ्रेम में रोहू कह रहा था नहीं ये आउट नहीं ये आउट नहीं दोबारा दिखाइएगा जरा बात भी कीजिएगा हम बड़ी बहस के बाद मैं क्योंकि हमें सिर्फ एक फ्रेम दिखा रहे थे जिसपे इन्होंने रिव्यू लिया था मगर बैट्समैन को क्योंकि एग्जैक्टली पता था कि दूसरे एंड से भी रन आउट हो चुके हैं इसलिए वो बाहर गए हैं तो अदरवाइज इसमें कन्फ्यूजन नहीं था बैट्समैन क्लियर कट आउट थे मगर वो एक फ्रेम की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन डेवलप हुआ हालांकि वो देखे ना वो क्लियर हो गया था कि बॉल तो डेड हुई नहीं थी दूसरी दूसरे के हाथ में बॉल की उसने फेंका रन आउट हो गया उसको समझ आ रही थी कि मैं रन आउट हूं उसको पता है वो निकल गया बाहर वो तो जा रहा था बाहर मगर मेरे ख्याल वो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहा अंपायरों को कि शायद डेड बॉल हो गया डेड बॉल तो उतनी देर होता नहीं जितनी देर वो ले ना वो तो एक ही मोमेंट में दोनों आउट हुए देखे ना वो इधर आ गया उधर से थ्रो हुई और वो रन आउट हो गया और इसमें बड़ा फॉल्ट है शुएब मलिक का मेरा ख्याल है कि इसको जब वो देख रहा था कि बैट्समैन अपनी क्रीज में है वो नहीं जा रहा और उसका जो फेस है वो भी दूसरी तरफ है तो एज ए सीनियर और मैच्योर बैट्समैन उसको चाहिए था कि वापस अपनी क्रीज में चला जाता और फिर वो रन आउट से बच सकते थे ये वैसे उसने कमाल किया है कि वो दूसरे के पास जाके खड़ा होके उसको कह रहा है क्या हाल है ठीक हो इसका मतलब है सही जो आउट हुआ है इसमें सारा का सारा जिम्मा शोएब मलिक का एब्सोल्युटली उसका है और किसी का हो ही नहीं सकता खड़े आउट हो गया हां उसका तो कसूर ही नहीं है बेचारे आप देख रहे हो वो तो दूसरी तरफ देख रहा है और वो उसके पास पहुंच गया है मतलब ये चूंकि वो क्रीज से बाहर निकल गया था ना इसलिए उसको मैं तो समझता हूँ उसने सैक्रिफाइस किया क्या किया ये उनकी जुबानी ही हम कभी सुने तो सुने क्योंकि उनपे गुजरी है जो गुजरी है ये है ना सर नहीं ये असल में पता क्या एक्साइटमेंट में बहुत चूंकि रन्स उनको चाहिए थे उस वक्त हर बॉल पे स्कोर चाहिए था तो मेरा ख्याल है वो एक्साइटमेंट में भाग गया और इसमें हो जाता है एक और भी उसमें सिर्फ एक ये रन आउट नहीं हुआ एक और भी रन आउट करवाया अरफात मनास को जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे और वो मेरा ख्याल है कि उसमें भी कम्प्लीटली जो फॉल्ट था वो शुएब मलिक का था और उनके फॉल्ट की वजह से वो भी रन आउट हुए और इसलिए इस मैच में सिर्फ एक सिफर्ट को रन आउट नहीं करवाया शुएब मलिक ने बल्कि दूसरा वो अरफात मनास को भी रन आउट करवाया इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर सलमान ये मैच हार जाते तो उसने मलिक को छोड़ना नहीं था जो हुआ है ये क्योंकि दो रन आउट क्रूशियल टाइम पे आउट होने अच्छा एक तो रन आउट ठीक है जिनके साथ हुआ उन पे क्या गुजरी और उसके बाद जनाब मैच फिनिशर भी बन गए शोएब मलिक तो ये कभी कभी होता है कि आपका दिन होता है वो थैंक्स टू जमान खान मेरा ख्याल है कि जमान खान को सारा क्रेडिट देना चाहिए पहले 18वें ओवर में उसने दो चौके खाए बिल्कुल सामने जो उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग एरिया था वहां पे बॉलिंग करके और फिर जब लास्ट बॉल पे तीन रन चाहिए थे तो एक ऐसे पॉइंट पे बॉल कर दी जहाँ पे कोई भी बैट्समैन होता तो वो चौका लगाता और देखें अब आप ये नहीं कह सकते कि मलिक फिट नहीं है खेल नहीं सकता उसने मैच जितवाया है और अगले दो साल अब उसके आपको ही झेलने पड़ेंगे यानी कि ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर जस्ट बिकॉज़ ही हैपेंड टू बी द मैच फिनिशर अलोंग विद इरफान खान आजी तो हो सकता है कि अगले साल भी हमें शायद देखने को मिलेंगे पीएसएल सीजन 10 में हैविंग सेड दैट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आई हैव गॉटन योर मैसेजेस डोंट वरी मैं आपके शामिल करूंगी मैसेजेस कीप वॉचिंग पीएसएल हंगामा विल बी राइट बैक Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by new by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, tomorrow is going to be another big day. जिस तरीके से PSL आगे बढ़ रहा है डे बाय डे इट्स बिकमिंग वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे मुझे अच्छा लगा बच्चों को बच्चियों को देख के लड़के लड़कियों को देख के कराचियाइट्स को देख के तो कराचियाइट्स ऐसे ही जाओ इन्जॉय करो वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती सो आई डू अंडरस्टैंड आई हैपन टू बी फ्रॉम कराची आई नो कराची में जब मैचेज होते हैं उसका मतलब होता है कि बस हर चीज़ जो है ना वो दरम बरम हो जाती है मुश्किल हो जाता है वहाँ तक पहुँचना बट आप जिस तरह से जा रहे हैं एट्स ऑफ टू यू जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कल डबल हेडर्स हैं जी हाँ एक मैच होगा 2:30 बजे पिंटी स्टेडियम से बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड आई एम वाउचिंग फॉर मुल्तान सुल्तान बट दोनों टीम्स कल आमने सामने होंगी अगर हम देखें लास्ट 10 मैचेस के एतबार से 6 मरतबा मुल्तान सुल्तान जीत चुकी है जबकि 4 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर शाम को इंशाल्लाह मैच होगा कराची में लाहौर कलंदर्स का एक बार फिर कोटा ग्लैडिएटर्स का सो अभी दोनों मैचेस हैं जरा इनके ऊपर बात करते हैं सर आई कम टू यू एक तरफ जरा मुल्तान सुल्तान का मैच और दूसरी जानिब जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का है लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें
तो वो जीते या हारे अलग बात है, लेकिन क्वेटा के लिए कल का मैच कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए आज के मैच जीतने से ना कराची गेम में वापस आ गई है, और मेरा ख्याल है अगर कराची अगला मैच जीती है, अगर मतलब जीत सकती है ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो ये जो इस्लामाबाद और क्वेटा के लिए मुश्किल डाल सकती है, क्योंकि वो बहुत अंडर प्रेशर खेलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर देखो नौ पॉइंट्स हैं क्वेटा के और इस्लामाबाद के, तो ये अगर इनमें से अगर कल इस्लामाबाद का तो बहुत ही वाइटल किस्म का मैच है, अगर वो कल हारती है तो ये कराची अगर जीती है तो कराची क्वालिफाई कर जाती है, तो इस्लामाबाद के लिए तो जीतना कल का मैच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस्लामाबाद हारती है तो फिर वो दुआओं पे आएगी कि कराची भी हार जाए ताकि हम ऊपर ही रहें। तो मेरा ख्याल ये दोनों के लिए बड़ा, दोनों मैचेस बड़े एक्साइटेड होंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, जहाँ हमने बात की क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अतबार से, वहाँ पे मुल्तान सुल्तान है और इस्लामाबाद यूनाइटेड है, दे हैव गॉटन 9 पॉइंट्स जनाब। अगेन ये चाहे हम बात करें के की, चाहे हम बात करें क्यू जी की, आप बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये जो अब मुकाबला जो है टू यू नो टू बी इन द गेम, इन तीनों के बीच में? हाँ बिल्कुल, तीनों की। और उसमें देखें जो कलंदर की टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर की, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि आप इसके अगर लास्ट टू मैचेस देखें, एक में 118 रन पे आउट हुए हैं, अगले मैच में 120 रन पे आउट हुए हैं। बैटिंग इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, उसके बाद जो बॉलिंग है वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही। जो इनके बॉलर्स हैं, सवाए मोहम्मद आमिर के कोई बॉलर भी आप उसको इन फॉर्म नहीं कह सकते। इन्होंने रिप्लेस किया उसको वसीम जूनियर को मोहम्मद हसनैन के साथ, मगर मोहम्मद हसनैन भी उतना ही रन दे रहा है जितने वसीम दे रहा था, हर मैच में 4 ओवर में 50-52 रन। तो उसके बाद फिर जो उनका सबसे बड़ा सेटबैक एक और हुआ कि उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे लोअर ऑर्डर में रदरफोर्ड, वो भी मेरा ख्याल है कि वो भी छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और कराची अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के सामने आया है, और ये इन पे एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, क्योंकि इतना आसान नहीं है इन दोनों टीमों के लिए अपने नेक्स्ट मैचेस जीतना, और जो इनकी स्पेशली करंट सिचुएशन चल रही है क्वेटा की, उसमें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इनको कराची में। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है, यहाँ पे कितनी अच्छी बात है वैसे कि कराची ने भी अपना कमबैक किया, द वे दे फॉट बैक अगेन, उससे पहले जिस तरीके से पेशावर जर्मी ने किया है, तो इन दो टीमों को हम जिस तरह देख रहे हैं खेलते हुए सर, अच्छा लग रहा है ना कि एटलीस्ट दे आर फाइटिंग बैक, रादर आपने एक मैच भी मतलब एक ही मैच जीत के आप बॉटम ऑफ द टेबल आ गए। मगर ये एक चीज़ है ना रऊफ, के लाहौर कलंदर का कोई चांस नहीं है, तो वो उस तरह मेहनत नहीं करेगी। मुझे आज भी देखे ना, कोई उनका फाइट ज़रूर हुई है, पर उनका वो जिसको कहते हैं ना नथिंग टू लूज, उनका तो वैसे ही बाहर है। तो असल फाइट जो है वो क्वेटा वाले या इस्लामाबाद वाले जो इनके मैचेस हैं उनमें वो पूरी जान मारेंगे, क्योंकि उन अब वो भी उनको भी डर है कि अगर हम मैच हारते हैं तो बाहर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है जिसका मैच भी लाहौर कलंदर से है, तो उसका चांस इसमें कोई शक नहीं, जैसे रऊफ ने कहा बिल्कुल ठीक है कि क्वेटा स्ट्रगल कर रही है, और वाकई उनकी अगर पिछले दो मैचेस देखें तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, मगर इवन दो वो उनको उनके पास चांस तो है ना, तो वो ऑब्वियसली बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करने की, जैसे कहते हैं हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो अपनी गलतियों से सीखेंगे ज़रूर और कोशिश करेंगे कि मैच जीतें। टाइम है, खत्म हो गया, टाइम है बिल्कुल, आप बोलिए। इसमें एक चीज़ है कि जिस तरह बाकी टीम है, जिस तरह कराची ने अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, कराची ने 179 रन आज चेज किए हैं, और लाहौर ने भी 179 एक मुश्किल पिच पर रन कर दिए हैं। इस तरह जो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम है वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि पिछले दो मैचेस उठाकर देख लें उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। 118 रन मसलन की एक T20 मैच में नॉट इनफ है, उसके बाद दूसरे मैच में 120 रन, फिर तो बैटिंग उनकी बहुत ज़्यादा, मैं इस सेंस में बात कर रहा था कि उनके लिए नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर उनमें भी देखो ना, जैसे इधर फखर था एक ही मैच में उसने स्कोर किया, उधर भी जेसन रॉय नो डाउट वो स्कोर नहीं कर पा रहा, मगर उसमें एबिलिटी है कि वो अगर चला ना तो वो मैच ले जा सकता। तो जनाब इट वाज द डे ऑफ फखर जमान एज वेल, क्योंकि आज उन्होंने खेला बिल्कुल ऐसे ऐसे वर्ल्ड कप में एक ही मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस ही, लेकिन क्या परफॉर्मेंस ही जनाब। ऑन दिस नोट आई हैव टू थैंक टू बोथ ऑफ माय गेस्ट, आई हैव टू रैप अप द शो, अपना ख्याल रखिएगा, आपके मैसेजेस कल शामिल करेंगे, आज इतनी गुफ्तगू थी कि बीच में कहीं कर ही ना पाए ऐड। कीप वॉचिंग 24 न्यूज, कल होती है मुलाकात, बिकॉज कल है डबल हेडर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। Hey, I'm happy.